हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रोहित राज क्रिएशंस पर। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कोरल ड्रा के अंदर बैनर पोस्टर कैसे बनाएंगे। तो आज के वीडियो में हम होली का पोस्टर बनाना सीखेंगे। तो पोस्टर बनाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की हर अपडेट आपको समय से मिलती रहे। तो अभी हमने दो बैनर यहाँ पे क्रिएट किया है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये प्रिंटेबल भी है, अगर आप चाहते हैं कि इसको प्रिंट कराने की सोच रहे हैं तो आप प्रिंट भी करा सकते हैं, होल्डिंग वगैरह फ्लेक्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे एक बैनर के बारे में। तो पहले इस वाले को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमने दो बनाया था यहाँ पर, तो इसको मैं कर दूँगा डिलीट और ये हमारा हो जाएगा एक बैनर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉन्ट का यहाँ पे यूज़ किया है। और जो मेन हमारा जो होली होता है इसके अंदर हमने ये प्लास्टिक इफेक्ट डाला है, तो ये कैसे डालेंगे, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। और उससे पहले आपको बता दें, आप कोई भी वर्जन में ये काम कर सकते हैं, इसे कोई मतलब नहीं है, बस आपको सारी जानकारी मालूम होना चाहिए। तो इसमें हम एक साइज़ लेंगे, जैसे कि 4x3 का या 5x7 का हम यहाँ पे साइज़ ले लेंगे। तो इतना हमने साइज़ लिया और ये देखिए अभी इंचेस में है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप फिट में आप बनाना चाहते हैं तो फिट में भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे इंचेस में बना रहे हैं। तो इसको हम कर देंगे 7 और नीचे वाले को हम कर देंगे 5, ठीक है, उल्टा हो गया है। तो 5 ऊपर कर देंगे यानी वृत्त और यहाँ कर देंगे 7, ठीक है। तो 7x5 की यहाँ पे एक फाइल बन गई है, ठीक है। 7x5 की जब यहाँ पे फाइल बन गई है और इसी के अंदर हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो आपको करना क्या है, इसमें एक कलर फिल कर लेना है। आप तो सिंपल कलर फिल कर सकते हैं लेकिन हमको सिंपल नहीं फिल करना है, त्यौहार के अकॉर्डिंग हम इसमें कलर को मर्ज करते हैं। तो ग्रेडियंट कलर बना सकते हैं, नहीं तो हमने जो है ये बैकग्राउंड जो इसके पीछे लगा हुआ है ये हमने नेट से लिया है। आप होली बैकग्राउंड डालेंगे तो होली का बैकग्राउंड बहुत सारे आपको नेट पे आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसी बैकग्राउंड को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, ठीक है। इसमें जो बैकग्राउंड लगा हुआ है इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लिया हूँ और इस वाले बैकग्राउंड के अंदर हम फिल करेंगे या फिर इसका साइज़ सेम इसी तरह से हम रख देंगे, ठीक है। तो अगर हम इसी तरह से सेम साइज़ रख देते हैं तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर समझ लीजिए बैकग्राउंड आ गया है आपका, ठीक है। अब इसी बैकग्राउंड पे हमको सारा कुछ यहाँ पे सेट करना है। थोड़ा सा शिफ्ट की सहायता से हम इसको छोटा कर लेंगे। ध्यान रहे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपको बराबर ड्रैग करना है या बराबर उसको लाना है तो शिफ्ट की ज़रूर प्रेस करें, नहीं तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये बैकग्राउंड हो गया और इसके बाद में हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो आपको पता है लिखने के लिए यहाँ पर टेक्स्ट टूल मिल जाता है आपको, इसका शॉर्टकट है F8 और उसके बाद में यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। हैप्पी होली, और फॉन्ट चेंज करने के लिए आपको यहाँ से जाना है, जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगे, स्टाइलिश फॉन्ट कोई लगा लीजिए या कोई कैलीग्राफी वाला फॉन्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाला फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा साइड में कर लूँगा और थोड़ा जूम करके मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ जूम करके आपको बताया जाए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया और इसके बाद में हम इसका कलर कर लेंगे। इसमें बहुत सारी की के बारे में आप सीखने वाले हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत सारे शॉर्टकट की आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके पीछे स्ट्रोक लगाना है, जैसे फोटोशॉप में स्ट्रोक बोलते हैं ना, इस तरह से इसमें स्ट्रोक लगाएंगे यानी आउटलाइन लगाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्टकट की आपको प्रेस करना है F12, कीबोर्ड में न्यू F12 यहाँ पे लिखा हुआ है, जो फंक्शन की होती है इसके अंदर F12 आपको मिल जाएगा। तो F12 प्रेस करते ही यहाँ से ये विंडो खुल जाएगी, तो आपको यहाँ से साइज सेलेक्ट कर लेना है और ये बिहाइंड फिल दोनों पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये स्केल विथ ऑब्जेक्ट और यहाँ से कलर आपको ले लेना है वाइट, ठीक है। बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आप यहाँ से कलर लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको वाइटनेस नज़र आ रही है, तो इसी तरह से यहाँ पे वाइट हो जाएगा। और अब जो बात आती है
अब इसको हमको एक कॉपी बनाना है। तो सबसे पहले तो इसको हम शिफ्ट की सहायता से थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, इसको थोड़ा सा इधर ड्रैग करेंगे शिफ्ट की सहायता से। और कॉपी करने के लिए आप प्लस का यूज भी कर सकते हैं कीबोर्ड में, लेकिन हम इसको शिफ्ट दबाए रखेंगे और माउस को ड्रैग करके लेफ्ट लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए डुप्लीकेट हो गया। और अब मुझे क्या करना है, ये सारा जो हिंदी में लिखा हुआ है इसको हम लिखेंगे। तो हिंदी में लिखने के लिए फिर से आपको टेक्स्ट टूल पे ही जाना है और यहाँ से इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला जो हिंदी लिखा हुआ है इसको एक कॉपी हमने यहाँ पे कर लिया, या फिर मैं आपको लिख के ही बता देता हूँ। टेक्स्ट टूल पे जाएंगे और यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। तो क्या लिखना है, आप सभी को पहले हम यहाँ पे हिंदी फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे, ये वाला। तो हम आप सभी को इसी तरह से हम सारा हिंदी यहाँ पे टाइप कर लेंगे, इसकी हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे राइट क्लिक करके। और अब बात करते हैं जो इसमें मैंने प्लास्टिक का इफ़ेक्ट लगाया है। देखिए किस तरह प्लास्टिक का इफ़ेक्ट इस तरह लगता है, तो हम शॉर्टकट आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए प्लास्टिक इफ़ेक्ट कैसे आप देंगे टेक्स्ट के अंदर। तो पहले तो इसको हम अनग्रुप करके बाहर निकाल लेते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ओके। और इसको हम बाहर कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये इसके अंदर पावर क्लिप था। ठीक है, तो कंट्रोल ये सी और बाहर आकर कंट्रोल वी, डुप्लीकेट हमने कर लिया। और उसके बाद में आपको करना क्या है, इसमें जो ग्रेडियंट कलर यूज हुआ है तो वो आप यहाँ से कलर को ऐड कर सकते हैं इंटरेक्टिव फिल टूल से। ठीक है, इंटरेक्टिव फिल टूल जैसे क्लिक करेंगे तो जितने कलर यहाँ पे यूज किए गए हैं ये सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ग्रेन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे कलर पैलेट मिल जाएगा, यहाँ से आप इच्छा अनुसार अपना कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं ऐसे रहने देता हूँ, कलर मैं नहीं चेंज करने वाला हूँ। मैं प्लास्टिक इफ़ेक्ट के बारे में बात कर रहा था। तो प्लास्टिक इफ़ेक्ट आप कैसे देंगे, तो इसका एक डुप्लीकेट आपको करना है यहाँ पे इस तरह से, एक और डुप्लीकेट करना है, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। तो इसको मैंने कर लिया डुप्लीकेट, और उसके बाद में जाएंगे बिटमैप पे और इसको कर देंगे कन्वर्ट टू बिटमैप। और अभी यहाँ RGB है तो हम सोशल मीडिया के लिए बना रहे हैं तो RGB में ही हम इसको बनाएंगे। प्रिंट के लिए अगर करेंगे तो हम CMYK के यहाँ से रखेंगे। ठीक है, तो अभी ओके कर दिया हमने, अभी हो गया बिटमैप। अब आप इसमें कलर भी नहीं फिल कर सकते हैं और यहाँ पे इसको एडिट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिटमैप के बाद आपको फिर से बिटमैप में जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा सबसे नीचे वाले ऑप्शन में प्लास्टिक इफ़ेक्ट। यहाँ पे देखिए लास्ट में टेक्सचर के अंदर प्लास्टिक इफ़ेक्ट, और उसके बाद में प्लास्टिक इफ़ेक्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको देखने को नज़र आएगा, देखिए इस तरह से। और अब इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे इसको स्क्रॉल करके देख लीजिए कितना अच्छा कहाँ पे लग रहा है, उसके बाद में आप उसको ओके कर दीजिए। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे ओके किया और यहाँ से भी हमने, ठीक है, इसका डायमीटर आप यहाँ से देख करके आप प्लास्टिक इफ़ेक्ट कितना क्लियर बना है आप देख सकते हैं। तो इस तरह से प्लास्टिक इफ़ेक्ट आप बनाएंगे। और अब मुझे क्या करना है, सिंपल सा इस वाले इफ़ेक्ट को हम इसके अंदर पावर क्लिप करेंगे, इसके अंदर पावर क्लिप कर देंगे और इसको एडिट पावर क्लिप कर देंगे। ये प्लास्टिक इफ़ेक्ट को जो है यहाँ पे हम एडिट पावर क्लिप पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लास्टिक इफ़ेक्ट इसमें अप्लाई हो चुका है और अब आप इसको यूज में ले सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे प्लास्टिक इफ़ेक्ट कैसे बनता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। तो इस तरह से प्लास्टिक इफ़ेक्ट बना करके आप इसको फिल कर सकते हैं।
और इस तरह के जो इमेज हैं वो आपको मिल जाएगा गूगल पे। आप बहुत ही आसानी से इसको डाउनलोड करके और यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसका डुप्लीकेट हम करेंगे और यहाँ पे रख देंगे और इसको हम इधर को रोटेट कर देंगे इस तरह। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया। इसको भी हम शिफ्ट प्लस पेजअप से ऊपर कर लेंगे। शिफ्ट प्लस पेजअप प्रेस करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। इसके सर पे रखा जा रहा है तो इस तरह हो गया। और अब बारी आती है इसको सेव करने की। तो ये लगभग में हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। बाहर से सिलेक्शन बनाएंगे और इसको कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे और फाइल में जा कर के एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। कंट्रोल ई इसका शॉर्टकट की है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ ऑप्शन नज़र आएगा तो आपको JPG में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो होली पोस्ट के नाम से हम डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेते हैं। एक विंडो यहाँ पे ओपन होगी, इसमें भी आपको रेजोल्यूशन 200 या 300 तक आपको रखना है, क्योंकि ज़्यादा कम करेंगे तो इसका पिक्सल फट जाएगा और ये पिक्चर सही से दिखेगी नहीं लोगों को। 250 कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। ठीक है, और अब देखते हैं जो हमारी फ़ोटो अभी बनी हुई है डेस्कटॉप पे आई है कि नहीं आई है। तो चलिए विंडो प्लस डी करेंगे और यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे एक बार और जो होली पोस्ट हमने बनाया था वो यहाँ पर आ चुकी है। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं। ये देखिए हमारी जो पोस्ट है यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो इसका CDR फाइल है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप उसको वहाँ से एडिट कर सकते हैं, फ़ोटो अपनी लगा सकते हैं या किसी कस्टमर के लगा सकते हैं। और अगर आपकी शॉप है या आप फ्लेक्स बैनर का काम करते हैं तो ये काम आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। कोई भी अगर होल्डिंग डिज़ाइन करनी है तो फटाफट मैटर उठा करके आपको सिंपल रख देना है जो उनसे साइज़ में आप बनाना चाह रहे हैं, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर से रिलेटेड काम करते हैं तो आपको ये ज़रूर काम आएगी। तो ये जो फाइल है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फॉन्ट सहित मिल जाएगी। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको यूज में ले सकते हैं। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।